बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के शिरडी के साईं बाबा पर दिए बयान को लेकर मुंबई पुलिस में शिकायत की गई है। शिकायत में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ ये शिकायत मुंबई के बांद्रा पुलिस में शिकायत की गई है। शिकायत में शिवसेना, उद्धव गुट, युवा सेना के नेता और शिरडी साई संस्थान के पूर्व ट्रस्टी राहुल कनाल ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था। साईं बाबा के बारे में दिया था विवादित बयान। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर विवादित बयान दिया था। शास्त्री ने कहा था कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, साईं बाबा संत और फकीर तो हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते हैं। हमारे धर्म में शंकराचार्य का सबसे बड़ा स्थान है। उन्होंने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रबुद्ध भक्तों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हमारे सर्वोच्च गुरुवार शंकराचार्य ने कभी भी साईं बाबा को देवता का स्थान नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हर सनातनी को उनकी बात मानना बहुत जरूरी है।